नमस्कार दोस्तों बच्चे ऑडियो वीडियो ऑल क्लियर आवाज आ रही है सभी लोगों को फटाफट से बताएंगे चैट बॉक्स में ऑल गुड ऑल वेल शुरू करें ठीक है तो बिना टाइम वेस्ट करें बच्चे शुरू करते हैं अपने सेशन को तो अपने लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑर्डर नंबर एट के रूल नंबर फाइव तक पढ़ा दिया था ठीक है रूल नंबर वन से लेकर रूल नंबर फाइव तक अब ये जो क्लास है हम इसमें रूल नंबर सिक्स से अपटिल रूल नंबर टेन तक जाएंगे अब देखो जो जिन रूल्स के साथ हम बिल्कुल शुरू करने वाले हैं अभी रूल नंबर सिक्स और उसके बाद जो आने वाले हैं सिक्स ए टू सिक्स जी बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं मतलब कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है कि दे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन इन्हीं इन्हीं टॉपिक पे से जो आप आपसे पूछ लें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है और उसके बारे में सिविल uh, प्रोसीजर के अंदर व्हाट आर दी प्रोविजंस तो उसके वो बड़ा ध्यान से सुनना पर वही बात वही बात मैं बोलूंगा बच्चे आप ना उसके एसेंस को समझना उसके कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करना अगर वो पकड़ लोगे तो आप आंसर लिख लोगे फिर आपको परेशानी नहीं होगी जितना अटकोगे ना कि मैं वैसा ही रट लू मैं वैसा ही भाषा बिल्कुल मेरे को याद हो जाए वो इम्पॉसिबल है वो नहीं कर पाओगे आप ठीक है तो आप फोकस करना की मैं क्या कह रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना ग्रेस्प कर लो एक बार में कोई परेशानी नहीं आएगी आगे ठीक है चलो स्टार्टिंग विथ रूल नंबर सिक्स रूल नंबर सिक्स के अंदर बच्चे कॉन्सेप्ट बताया गया है किसका सेट ऑफ का अभी ये जो बार बार सब शब्द आ रहा था ना सेट ऑफ उसी का कॉन्सेप्ट बताया गया है तो सेट ऑफ होता क्या है उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि सेट ऑफ की रिक्वायरमेंट्स क्या है क्योंकि रिक्वायरमेंट्स के थ्रू ही वो कॉन्सेप्ट निखर के आएगा तो पहले रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेते हैं व्हाट व्हाट आर दी रिक्वायरमेंट्स देखो सेट ऑफ जो है वो किसी भी केस के अंदर तभी लिया जा सकता है जब नंबर वन वो केस रिकवरी ऑफ मनी के बारे में हो दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट उस केस का उस सूट का जो नेचर है दैट टू बी अबाउट द रिकवरी ऑफ मनी जब ऐसा है तभी सेट ऑफ का सिचुएशन बनेगा ये पहली बात है दूसरी बात सेट ऑफ के अंदर हमेशा और हमेशा एक निश्चित अमाउंट एक एसर्टेन्ड सम और वो पैसे का ही होना चाहिए एसर्टेन सम ही आप क्लेम करते हो अभी समझेंगे कैसे करते हैं पर एसर्टेन्ड सम होना चाहिए दिस इज द सेकंड रिक्वायरमेंट थर्ड ये जो एसर्टेन्ड सम है जिसके बारे में सेट ऑफ है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए मतलब कानूनी तौर पर उसको रिकवर किया जा सकता हो ठीक है तीसरी रिक्वायरमेंट लीगली रिकवरेबल होना चाहिए चौथा ये जो भी पैसा है जो आप सेट ऑफ के थ्रू क्लेम कर रहे हो ये उस कोर्ट के जिस कोर्ट में केस चल रहा है जिसमें आप वो सेट ऑफ क्लेम कर रहे हो उसकी पैकुनरी लिमिट्स के अंदर आना चाहिए उसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए इट हैज टू बी विद इन दैकुनरी लिमिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्ट और आखिरी जिस कैरेक्टर के अंदर रहते हुए ये सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है इट हैज टू बी सेम कैरेक्टर इन विच द्लेटिव इज मेकिंग द्लेम जिस कैरेक्टर में

रिकवरी ऑफ मनी का सूट होना चाहिए एसर्टेन सम होना चाहिए जो आप रिकवर सेट ऑफ के थ्रू क्लेम कर रहे हो आपका जो क्लेम है रिकवर, लीगली रिकवरेबल होना चाहिए लिमिट के अंदर होना चाहिए और सेम कैरेक्टर में रहना चाहिए अब आ जाओ कॉन्सेप्ट पे अब जम्प करते हैं बच्चे हम लोग कॉन्सेप्ट पे सेट ऑफ बड़ा आम सी चीज है एक कहानी सुनाता हूं मैं हूं आप हो मैंने आपसे दस हजार रुपए उधार लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे किसी काम के लिए मेरे को दस हजार रुपए की जरूरत पड़ रही थी दस हजार रुपए मैंने उधार लिए एक महीने का वादा था एक महीने में मैंने वो पैसा वापस नहीं किया आपने मेरे खिलाफ रिकवरी ऑफ मनी का केस फाइल कर दिया

अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं वहां पर हम अपने आप को डिफेंड करते करते मानो हम किसी चीज को स्वीकार कर रहे हैं एडमिट कर रहे हैं जैसे वो जो एडमिशन वाली सिचुएशन थी फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात मान रहा हूं अपने डब्ल्यू एस के अंदर कि आपने मेरे को दस हजार रुपए दिए थे आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो तो ये तो एडमिशन हो गया मेरी तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई ना क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया मैंने आपसे दस हजार रुपये उधार लिए हैं अगर मैं यहीं पे यह बोल दू अपने डब्ल्यू एस के अंदर कि दस हजार रुपए मैंने उधार लिए थे बात बिल्कुल सही है पर मेरे भी पांच रुपए बन सॉरी पांच हजार रुपए बनते हैं आपकी तरफ प्लेंटिफ की तरफ प्लेंटिफ ने मेरे मेरे दस हजार रुपए लेने से पहले पांच हजार रुपए लिए थे मेरे से उधार गेटिंग माई पॉइंट आपने केस डाला है दस हजार रुपए के बारे में जो मैंने आपसे लिए और वो बात सच भी है कि मैंने आपसे दस हजार रुपए मैं उसको और भी कर रहा हूं मैं अपनी लाइबिलिटी को डिनाई नहीं कर रहा I'm admitting कि आप सच बोल रहे हो आई एम जस्ट एडिंग मेरा भी पांच हजार रुपए का क्लेम है आपके खिलाफ ये जो मेरी बात है ना मेरा भी दिस एडिशनल फैक्ट दिस इज सेट ऑफ यही कॉन्सेप्ट लाइबिलिटी एडमिट करता हूं कि मैंने दस हजार रुपये उधार लिए हैं पर मेरे पांच हजार रुपए बनते हैं तो दस हजार में से माइनस पांच हजार रुपए पांच हजार रुपए में देने के लिए तैयार हूं सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मैं बैलेंस जो बचता है ऐसे ही तो करते हैं हम लोग आम जीवन में भी ऐसे तो डील करते हैं एक दूसरे के साथ ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले मेरे को मैं आपको पहले पूरे दस हजार रुपए दूंगा फिर उस दस हजार में से निकाल के आप मुझे पांच हजार रुपए तो, तो नहीं होता एडजस्ट कर लेते हैं ना हम लोग चले वहां पर इतना पैसा लिया था मैंने को वहां पे इतना पैसा दिया इतना बैलेंस बनता है ये जो प्रोसेस होता है ना ये कहलाता है बच्चे सेटिंग ऑफ सेटिंग ऑफ अगेंस्ट द क्लेम ऑफ एनदर पर्सन आपका क्लेम दस हजार का उससे मैंने सेट ऑफ कर लिया अपना क्लेम पांच हजार ठीक है तो जब भी कोई डिफेंडेंट ध्यान से सुनिएगा जब भी कोई डिफेंडेंट प्लेन अपनी लाइबिलिटी को डिनाय नहीं करता लाइबिलिटी को एडमिट कर रहा है बट वाइल एडमिटिंग दाइबिलिटी ही इज रेजिंग अ काउंटर काउंटर क्लेम अभी शब्द इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा ही इज रेजिंग contrary क्लेम सेट ऑफ करने के लिए एडजस्ट करने के लिए ठीक है अगर ऐसा डिफेंडेंट कर रहा है तो उसको सेट ऑफ कहते हैं और सीपीसी के अनुसार एस पर सीपीसी अगर आपको किसी भी डिफेंडेंट को सेट ऑफ क्लेम करना है सो तो जो अभी मैंने आपको फाइव रिक्वायरमेंट्स पढ़ाई ऑल फाइव ऑफ दोज रिक्वायरमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड पहला वो जो सूट है जिसमें सेट ऑफ क्लेम किया जा सकता है बाय द डिफेंडेंट वो हमेशा पैसे के बारे में होना चाहिए तो पहली बात हमने क्या सीखी बच्चे कि सेट ऑफ का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज लिमिटेड टू ओनली मनी सूट्स जो पैसे के बारे में जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मैंने आपसे दस हजार रुपए उधार लिए थे आपने दस हजार रुपए की रिकवरी के लिए केस फाइल किया तो अगर मानो आप में और मेरे में कोई प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता कि मेरी मैंने आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया इसलिए आप मेरे पे केस फाइल कर रहे हो तो वहां पर सेट ऑफ का नहीं लागू होता इट ओनली लाइज इन मनी ये पहली बात है और बड़ी लॉजिकल भी आप भी उसको सोचोगे तो समझ जाओगे अब देखो जब भी हम मनी सूट फाइल करते हैं जब भी कोई प्लेंटिव केस फाइल करता है ना रिकवरी का तो प्लेंटिव पे भी ये जिम्मेदारी होती है कि उसको बताना पड़ता है कि वो कितना पैसा मांग रहा है जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया तो आपका आपने जब मेरे ऊपर केस फाइल किया तो देर वॉज ए फिक्स अमाउंट एसरटेन अमाउंट कि आप मेरे से दस हजार रुपए क्लेम कर रहे थे एज अ प्लेटिव आपने बताया कि आपके दस हजार रुपए बनते राइट तो ऐसे ही एज अ डिफेंडेंट अगर मैं उस अमाउंट के अगेंस्ट कोई क्लेम रेस कर रहा हूं सेट ऑफ करवाने के लिए तो मेरे को भी अपना एक क्लियर स्पेसिफिक एसर्टेंड अमाउंट बताना पड़ेगा जैसे हमारे एग्जाम्पल में मैंने बताया कि मेरे पांच हजार रुपए पहले से बनते हैं सर दिस इज रिक्वायरमेंट कि सेट ऑफ कभी भी जनरल अमाउंट के बारे में नहीं हो सकता कि लगभग लगभग उतना बनता है या फिर ये वो नहीं यू हैव टू टेल दी स्पेसिफिक अमाउंट ठीक है उसको बोलते हैं हम लोग एसर्टेंड अमाउंट अ क्लियर स्पेसिफिक जो भी हो एक हजार दो हजार पांच हजार पांच लाख पांच करोड़ जो भी है इट हैज टू बी एन एसर्टेन अमाउंट देखना बच्चे सारी रिक्वायरमेंट बहुत प्रैक्टिकल है कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आपको रखना पड़ेगा ये तीसरा इम्पॉर्टेंट है देखो बच्चे हम कानून को कुछ बंदिशों में रखते हैं जब हम न्याय और कानून के संबंध को समझने की कोशिश करते हैं तो कानून को हम हर जगह तक नहीं पहुंचाते न्याय करने के लिए उसका एक एग्जाम्पल है ऐसे कानून जो किसी परिस्थिति के सत्य होते हुए भी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते जैसे लिमिटेशन लॉ जैसे हमारा लिमिटेशन का लॉ है वो किसी भी एक्शन को लेने की एक समय अवधि बताता है पर बच्चे कोई चीज अगर गलत है तो गलत है चाहे हजार साल क्यों ना हो जाए अगर मैं न्याय की बात करूं न्याय तो उस गलत बात में है ना कि उसको ठीक किया जाए फिर चाहे उसको तीन साल हो चाहे पचास साल हो समय की वजह से कभी भी अन्याय न्याय तो नहीं बन सकता पर फिर भी हमारे पास कानून है लिमिटेशन लॉ का और भी ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि, कि किसी व्यक्ति का कोई क्लेम बनता हो पर वो उस स्थिति में ना हो कि उसको रिकवर कर सके ऐसे क्लेम्स को हम बोलते हैं यहां पे लिख दे रहा हूं अलग आप चाहो तो नोट कर लेना टाइम 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 डेट ताइम, ताइम बार डेट सॉरी बार जो समय की अवधि से रोक दिए गए हैं वो उधार अब देखो जब कोई प्लेटिव मेरे खिलाफ पैसा रिकवर करने के लिए केस फाइल करेगा जब आप मेरे खिलाफ दस हजार रुपए का केस फाइल कर रहे थे तो आपको लिमिटेशन कानून को प्रूव करना पड़ा था ना कि आप समय के अवधि के अंदर केस फाइल कर रहे हो तभी आपका केस स्वीकार हुआ ऐसे ही एज अ डिफेंडेंट जब मैं आपके क्लेम के विरुद्ध अपना क्लेम कर रहा हूं off, तो मेरे पे भी ये जिम्मेदारी लगती है कि मेरा जो क्लेम है जिसको मैं सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूं दैट शुड ऑल्सो भी लीगली रिकवरेबल मतलब लीगली रिकवरेबल का मतलब है कि अगर आपने मेरे खिलाफ केस नहीं फाइल किया होता ये वाला तो मैं आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता था उन पांच हजार लिए मैं कानून की सहायता ले सकता था अपने उस पैसे को वसूलने के लिए तो आप सेट ऑफ के थ्रू उसी पैसे का क्लेम रेस कर सकते हो बच्चे जिसको बारे में आप इंडिपेंडेंट लीगल एक्शन ले सकते हो मतलब वो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके विरुद्ध

पर जो मेरी तरफ से आपको पांच हजार रुपए हैं वो तीस साल पुराने हैं। तो वो जो तीस साल पुराने हैं वो लिमिटेशन कानून से चले गए मोर लीगली एनफोर्सेबल तो उन तीस साल पुराने पांच हजार रुपए के बारे में मैं क्लेम रेज़ नहीं कर पाऊंगा एज अ सेट ऑफ सो दैट इज वॉट दोवीजन इज ट्राइंग टू से ठीक है लीगली एनफोर्सिबल होना चाहिए ठीक है फोर्ट ये तो बड़ा सिंपल सी बात है देखो वही देखो कहने का मतलब है वही रिक्वायरमेंट्स वही जिम्मेदारियां जो हमने प्लेंटिफ प्लेंटिफ पे थोपी हैं वही जिम्मेदारी हम डिफेंडेंट पे थोप रहे हैं जब वो अपने डब्ल्यूएस में सेट ऑफ का क्लेम रेस कर रहा है प्लेंटिफ पे भी जब उसने केस फाइल किया तो उस पे भी तो हमने कोर्ट की पेकनरी लिमिट्स इंपोज की उससे बोला कि आप ऐसे कोर्ट में जाओ जहां जिसकी पेकुलरी लिमिट्स के अंदर आपका अमाउंट आता है तो फॉर एग्जांपल आपने जब मेरे खिलाफ दस हजार रुपये केस फाइल किया तो आप भी उसी कोर्ट में गए होंगे जिसकी पेकुलरी लिमिट्स के अंदर वो दस हजार रुपये आते होंगे जिसकी क्षमता होगी दस हजार रुपये तक का केस देखने के लिए तो इन दिस सेम मैनर इफ आई एम रेजिंग अट ऑफ तो मेरी भी ये जिम्मेदारी है कि मैं इस बात का ध्यान रखू कि जिस कोर्ट के अंदर मेरे खिलाफ केस चल रहा है जिसमें मैं सेट ऑफ का क्लेम रेस कर रहा हूं वो कोर्ट की लिमिटेशन के अंदर होना चाहिए पेकुनरी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए अब यहीं पे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात उठ के आती है जब मैं बात करता हूं ना पेकुनरी लिमिट्स की इसमें बहुत ही लॉजिकल लिखी हुई नहीं है पर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आप उस नतीजे पर पहुंच जाओगे देखो बच्चे अभी तक जो भी हमने एग्जाम्पल लिए या जो अंडरस्टैंडिंग आप भी अभी अपने दिमाग में रख रहे हो वो एक ऐसा सिचुएशन है जहां पे जो मेन केस है जो केस फाइल किया है ने वो बड़े अमाउंट का है और जो सेट ऑफ हो रहा है वो छोटे अमाउंट का हो रहा है जैसे हमने एग्जाम्पल लिया कि आपके दस हजार रुपये बनते हैं मेरे पांच हजार रुपये बनते हैं पर ऐसा जरूरी तो नहीं ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि सेट ऑफ का अमाउंट मेन अमाउंट से कम ही होगा अगर देखो अमाउंट कम है या फिर बराबर भी है तो तो पेक्यूनरी लिमिट की परेशानी आनी नहीं चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली जब उस अमाउंट का केस फाइल हो चुका है कोर्ट में तो ऑब्वियसली अगर सेट ऑफ का अमाउंट कम है या उतना ही है तो उसको तो रेस कराई जा सकेगा लिमिट की परेशानी आएगी ही तब बच्चे जब सेट ऑफ का क्लेम ओरिजिनल क्लेम से बड़ा होगा फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे खिलाफ दस हजार का केस फाइल किया एंड आई एम रेजिंग क्लेम ऑफ सेट ऑफ अगेंस्ट यू फॉर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज

पर मेरे को तो मौका नहीं मिला एज ए डिफेंडेंट क्योंकि मैं तो वहीं पे सेट ऑफ क्लेम रेस करूंगा ना जहां पे प्लेटिव मेरे खिलाफ केस फाइल करेगा ऑब्वियसली तो अगर मेरे पे ये पेकुनरी लिमिट्स की इंपोज की जा रही है मानो आपका था क्लेम मेरे ऊपर एक लाख रुपए का और मेरा काउंटर क्लेम है दो लाख सॉरी मेरा सेट ऑफ है दो लाख रुपए का और मानो उस कोर्ट की जोजिक्शन केवल डेढ़ लाख रुपए तक की है तो इसमें मेरी क्या गलती है ना मैंने थोड़ी ना उस कोर्ट को चुना है वो तो ने चुना है और प्लेनिव ने अपने हिसाब से चुना है पर मेरा क्लेम तो दो लाख रुपए का है मैं क्या करूं करूस तो में क्या करें ऐसे में बच्चे आप सेट ऑफ का क्लेम नहीं कर सकते ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा एक फ्रेश केस फाइल करना पड़ेगा एज अ प्लेन टिफ यहाँ पे तो आप एज अ डिफेंडेंट कर रहे हो ना सेट ऑफ आपको एक नया केस फाइल करना पड़ेगा एज अ प्लेन उस कोर्ट में जाके जिसके भी लिमिट्स के अंदर आपका वो अमाउंट आ रहा है

पर कई बार आप ऐसा नोटिस करोगे कि लोग बचते हैं इसको समझाने में सेम कैरेक्टर देखो सेम कैरेक्टर का यहां पे जो आशय है जो आइडिया निकल के आ रहा है वो ये है कि जो आधार है जिस आधार पर सेट ऑफ रेस किया जा रहा है बाई दी अदर पार्टी बाई दी डिफेंडेंट वो कहीं ना कहीं जुड़ा होना चाहिए प्लेंटिफ के क्लेम से मतलब प्लेटिफ का क्लेम और डिफेंडेंट का क्लेम ये दोनों एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए जुड़े हुए का मतलब ये नहीं है कि ये दोनों एक ही ट्रांजैक्शन से अराइज होते हैं बट ये दोनों ये जो सिचुएशन है वो प्लेन और डिफेंडेंट के बीच की बात होनी चाहिए कहने का मतलब है अगर प्लेन ने मेरे खिलाफ केस फाइल किया है कि मैंने उससे दस हजार रुपए लिए हैं तो अगर मैं किसी अमाउंट को सेट ऑफ कर रहा हूं तो मेरे को भी यह दिखाना पड़ेगा कि ने मेरे से प्लेन जो भी है मेरी लाइबिलिटी मतलब उसकी लाइबिलिटी बनती है मेरी तरफ जरूरी नहीं कि उसने भी उधारी लिया हो सेम ही नेचर हो हो सकता है कि किसी और तरीके से मेरा पैसा बनता है कि मैंने उसके लिए कोई सर्विस करी थी या मैंने उसकी गाड़ी चलाई थी एक महीना फॉर एग्जांपल तो मेरा उस वजह से पैसा मानता है बट जो डीलिंग है that should be between the plaintiff and the defendant. मैं कभी भी ऐसी किसी क्लेम के बारे में सेट -off नहीं रेस कर सकता, For example, कि जो पैसे जो का क्लेम है वो तो मेरे खिलाफ है मेरे खिलाफ है, बट मेरा जो सेट ऑफ है दैट इज कंबाइंड सेट ऑफ कि भाई ने उधार लिए थे मेरे से मेरे पापा से या फिर प्लेंटिफ ने उधार लिए थे मेरे पापा से या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मानो कि मैं एक व्यक्ति हूं मैं ट्रस्ट का मालिक हूं मानो एक, एक ट्रस्ट है मैं एक ट्रस्ट चलाता हूं ये मेरा ट्रस्ट है इसका मैं ओनली ट्रस्टी हूं ठीक है या फिर मानो ये कंपनी है मैं इसका ओनली डायरेक्टर हूं वन पर्सन कंपनी है और ये मैं हूं ये मेरी पर्सनल कैपेसिटी है तो अगर प्लेन ने मेरे को उधार दिया इन माय पर्सनल कैपेसिटी तो मेरी कंपनी को कंपनी से लिया गया उधार प्लेन के द्वारा वो सेट ऑफ नहीं हो सकता किसी ने मेरे, किसी ने मेरे को धार दिया इन माय पर्सनल कैपेसिटी पर मैंने किसी को धार दिया एज अ ट्रस्टी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तो वो सेटअप नहीं हो सकता क्योंकि यहां पे सेम कैरेक्टर नहीं है मेरे ऊपर जो लाइबिलिटी है वो मेरी पर्सनल कैपेसिटी के बेसिस पे है और जो उसकी लाइबिलिटी है वो मेरी तरफ नहीं है इनफैक्ट मेरे ट्रस्ट की तरफ है मेरे कंपनी की तरफ दे है separate... कर मैं ही रहा हूं बट दिफरेंट तो कहने का मतलब है इन एनी सिचुएशन देर हैजू बी डायरेक्ट कनेक्ट बिटवीन द्लेंटिव एंड दिफेंडेट दोनों सिचुएशन के बारे में ओरिजिनल सूट के बारे में भी और सेट ऑफ के बारे में ठीक है इसको और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे अभी इतना समझ में आया तो काफी है तो टू रिवाइज इट ऑल कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है सेट ऑफ एक ऐसी परिस्थिति होती है जहां पर मनी सूट के अंदर आप एक अमाउंट का सेट ऑफ क्लेम करते हो अगेंस्ट द्लेंटिव बस ये शर्त है कि आपका जो भी सेट ऑफ का क्लेम है वो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए पेक्यूनरी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए एंड इट शुड बी विद इन दी सेम कैरेक्टर दीज आर रिक्वायरमेंट्स ठीक है अगर ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं तो आप बिल्कुल अपनी पावर में हो और सेट ऑफ को क्लेम कर सकते फिर ये छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट है कि डिफेंडेंट की ये जिम्मेदारी है, है तो उसको जल्दी से जल्दी करना है मतलब जो फर्स्ट हियरिंग होगी पहली ही सुनवाई होगी उसी में करना है और उसके बाद नहीं अगर उसने पहली सुनवाई में नहीं किया मतलब फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में नहीं किया तो वो दिक्कत में आ सकता है आगे चल के वो ऐसा तभी कर पाएगा अगर कोर्ट उसको परमिशन देगा अगर कोर्ट ने परमिशन नहीं दी तो हो सकता है कि उसके बारे में उसे अलग केस फाइल करना पड़ जाए जो अपने आप में एक नया ड्रामा होगा ठीक है क्योंकि बच्चे रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही लिखना होता है सेट ऑफ और रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया लिमिट्स बांध दी है थर्टी डेज मैक्सिमम एक्सटेंडेबल ऑब्वियसली तो सिचुएशन जो है वो काफी ऐसी है कि जहां पे डिफेंडेंट को सफिशियंट मौका मिल रहा है तो उसको उसका फायदा उठाना चाहिए ऐसा नहीं कि बाद में किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता पर बात वही है परेशानी वही है कि आप कोर्ट की जोशन पे डिपेंड हो जाते हो कि कोर्ट अगर अलाउ करेगा तो वरना नहीं ठीक है एक बार चलो मानो लीगली सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई और सेट ऑफ रेस कर दिया गया तो सेट ऑफ का प्रभाव क्या है वो इस रूल सिक्स के सब रूल टू के अंदर बताया गया है इसका मतलब है कि जब भी सेट ऑफ क्लेम किया जाता है तो वो एक तरीके की क्रॉस सूट की सिचुएशन बन जाती है क्रॉस सूट का मतलब होता है सूट वर्सेस सूट सूट वर्सेस सूट मतलब केस वर्सेस केस मतलब एक ऐसी परिस्थिति कि जो ओरिजिनल अमाउंट क्लेम किया गया था उस ओरिजिनल केस के अंदर प्लेटिव के द्वारा उस अमाउंट के बारे में तो वही बंदा प्लेंटिफ माना जाएगा और उसके द्वारा जो दस्तावेज दिया गया है वो प्लेंट माना जाएगा और ये वाला जो अमाउंट है जिसको सेट ऑफ क्लेम किया जा रहा है बाय द डिफेंडेंट उस अमाउंट के बारे में वो उसका दस्तावेज प्लेंट माना जाएगा और अदर पार्टी डिफेंडेंट मानी जाएगी देख रहे हो कितनी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई कहने का मतलब है मानो ओरिजिनल केस दस हजार रुपए का था और इस बंदे ने ये ए नाम के बंदे ने केस फाइल किया था और मानो इस बी नाम के बंदे के खिलाफ किया था और इस बी नाम के बंदे ने पांच हजार का सेट ऑफ क्लेम किया है तो इस दस हजार के बारे में तो इसका जो दस्तावेज है वो कहलाएगा प्लेट और ये होंगे प्लेटिफ और इस पचास पांच हजार रुपए के बारे में ये जो बी महाशय हैं इनका जो दस्तावेज है मतलब जिसको हम ओरिजिनली रिटर्न स्टेटमेंट बोल रहे थे वो कहलाएगा प्लेंट और उसके रिलेशन में ये कहलाएंगे डिफेंडेंट ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो जो जिम्मेदारियां इस व्यक्ति की थी इन रिलेशन टू दिस टेन थाउजेंड रुपीज की उसको उसका जवाब देना था कि वो पैसा बनता है या नहीं बनता है वही सारी जिम्मेदारियां इस ओरिजिनल प्लेंटिव की भी होंगी इन रिलेशन टू दिस अमाउंट कि जब भी ऐसा क्लेम रेस करेगा हमारा डिफेंडेंट सेट ऑफ क्लेम करेगा तो इस प्लेटिव की जिम्मेदारी हो जाएगी कि उसको जवाब दे उसके बारे में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करे मैंने वो पढ़ाया था आपको प्लीडिंग्स में कि प्लेट तो हमेशा प्लेटिव फाइल करता है पर रिटर्न स्टेटमेंट कई परिस्थितियों में दोनों पार्टीज़ फाइल करती है जो यहाँ पे एक ऐसी है इसका जवाब देगा हमारा ओरिजिनल प्लेटिव कि भाई वो इस पांच हजार को स्वीकार कर रहा है वही जो हमने अभी पढ़ा पिछली क्लास में एडमिशन डिनायल स्पेसिफिक डिनायल इल्यूसिव डिनायल वो सारी सिचुएशन इक्वली अप्लाई होंगी इस ओरिजिनल ऑरिजिनल इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है और वही सारे रूल्स लागू होंगे जो डिफेंडेंट पे लागू हो रहे थे तो कहने का मतलब है कि सेट ऑफ एक ऐसी परिस्थिति है जहां पे किसी मनी सूट के अंदर हम एक एसर्टेन अमाउंट को एज ए सेट ऑफ क्लेम करते हैं जो अमाउंट लीगली रिकवरेबल है विदिन दी पेकोनरी लिमिट्स है और सेम कैरेक्टर में है वंस दैट तो वो एक तरीके के काउंटर सूट की सिचुएशन पड़ जाती है ए वर्सेस बी इन रिलेशन टू द फर्स्ट अमाउंट इन रिलेशन टू दिस अमाउंट ओरिजिनल प्लेंटिफ प्लेंटिफ ही plaintiff है और वो बंदा ही डिफेंडेंट है और वही जिम्मेदारियां हैं और इन रिलेशन टू दी सेट ऑफ अमाउंट ये जो सेट ऑफ वाला अमाउंट है उसके रिलेशन में डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ का रूप पा लेता है और जो अपोजिट पार्टी है वो डिफेंडेंट का रूल पा लेती है और रूप पाने का मतलब क्या है कि जिम्मेदारियां वही हो जाती है जो हम इस रूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं जैसे उसको डिनाय करना एडमिट करना वो सारी बात ठीक है थीके? ये बच्चे सेट ऑफ का कॉन्सेप्ट है अब जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है काउंटर क्लेम का काउंटर क्लेम वेरी इंपॉर्टेंट भाई है मान के चलो सेट ऑफ का बड़ा भाई है छोटा भाई बड़ा भाई बड़ा है काउंटर क्लेम बिल्कुल अब देखो सेट ऑफ समझ में आ गया तो काउंटर क्लेम समझ में आ जाएगा इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है मोटे तौर पर सेम ही है छोटे छोटे से फर्क है थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड है काउंटर क्लेम नाम देखो काउंटर क्लेम है ना देखो पहले फिर से वही वही पैटर्न फॉलो करते हैं रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं फिर कॉन्सेप्ट को समझेंगे अभी काउंटर क्लेम क्या होता है कोई भी डिफेंडेंट किसी भी केस के अंदर अपने स्टेटमेंट के साथ साथ वो कोई काउंटर क्लेम भी रेस कर सकता है प्लेन के खिलाफ और ध्यान से सुनना ये जो काउंटर क्लेम है ये किसी भी अधिकार के बारे में हो सकता है या कोई भी क्लेम हो सकता है जिसका कुछ भी कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है यह बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ भी कॉज ऑफ एक्शन हो सकता है बस यह शर्त है कि वो कॉज ऑफ एक्शन प्लेटिव के खिलाफ होना चाहिए और इतना ही नहीं यह जो कॉज ऑफ एक्शन है इस काउंटर क्लेम का प्लेन के खिलाफ ये हो सकता है इस केस के जिस केस में इसको क्लेम किया जा रहा है काउंटर क्लेम को इस केस के फाइल होने से पहले का रहा हो या फिर इस केस फाइल होने के बाद में भी अराइज हुआ हो इवन दैट कॉज ऑफ एक्शन कैन ऑल्सो बी काउंटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो जो कॉज ऑफ एक्शन है काउंटर क्लेम का बाय द डिफेंडेंट इट कैन अराइज फाइलिंग ऑफ द केस और इवन आफ्टर इट ठीक है और ऑब्वियसली जब तक डब्लूएस है जब तक डब्ल्यू एस फाइल हो रहा है जिसमें काउंटर क्लेम रेज हो रहा है तब तक हो जानी चाहिए और ये जो काउंटर क्लेम है इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ डेमेजेस डेमेजेस मतलब पैसे के बारे में हो सकता है अनलिक्विड डैमेजेस के बारे में हो सकता है लिक्विड डेमेजेस के बारे में होता है हो सकता है बट जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जरूरी नहीं है कि ऐसे किसी चीज के बारे में हो और फिर वही बात है कि वो पेकुंडरी लिमिट्स को एक्सटेंड नहीं करेगा चलो अब आते हैं काउंटर क्लेम की बात पे ये तो आपका सेट ऑफ है अब देखो काउंटर क्लेम ठीक है काउंटर क्लेम में भी क्या हो रहा है सेट ऑफ की तरह ही एक केस फाइल हो रहा है प्लेटिफ के द्वारा ठीक है सूट फाइल हो रहा है बाई दी प्लेटिफ पर बच्चे सेट ऑफ में हमने क्या बोला था कि जो सूट होना चाहिए वो मनी सूट होना चाहिए पैसे के बारे में होना चाहिए पर काउंटर क्लेम के अंदर वो जो ओरिजिनल सूट है वो किसी भी प्रकार का हो सकता है Suit of any nature. वो मनी की रिकवरी के बारे में हो सकता है वो किसी प्रॉपर्टी के पोजेशन के बारे में हो सकता है किसी प्रॉपर्टी की ओनरशिप के बारे में हो सकता है इट कैन बी बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ ड्यूटी इट कैन बी ऑफ एनी नेचर एनी नेचर सूट होना चाहिए दैट इज रिक्वायर्ड ठीक है तो सबसे पहला बड़ा भाई कहने की वजह काउंटर क्लेम को यही है सूट ऑफ एनी नेचर हो सकता है जो ने फाइल किया है दूसरा ये सिमिलैरिटी है जैसे हम सेट ऑफ को क्लेम कर रहे हैं इन दी रिटर्न स्टेटमेंट ओनली ऐसे ही हम काउंटर क्लेम को भी रेस करते हैं इन दब्ल्यू एस इन द रिटर्न स्टेटमेंट ओनली पर अलग बात क्या है अलग बात यह है कि काउंटर क्लेम के अंदर जब हम डब्ल्यू uh, एस के अंदर जब हम काउंटर क्लेम रेस करते हैं इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट शुड बी अमाउंट इट शुड बी रिलेटेड टू मनी नॉट नेसेरिली रिलेटेड टू मनी यहां जो शब्द यूज किया गया है वो डैमेजेस है तो डैमेजेस लिख रहा हूं पर आप मनी भी पढ़ सकते हो

काउंटर क्लेम के थ्रू भी पैसा क्लेम किया, किया जा सकता है या और कुछ क्लेम किया जा सकता है हो सकता है पोजीशन क्लेम किया जा रहा हो सकता है ओनरशिप क्लेम की जा रही हो मतलब व्हाटएवर पॉसिबल जिसके भी बारे में एक इंडिपेंडेंट सूट बन सके उसमें से कोई भी चीज आधार हो सकती है काउंटर क्लेम का दूसरा रीजन इसका बड़ा भाई बोले जाने की बस आखिरी वही है जो पेकनरी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए कि अगर देखो

उसके रिटन स्टेटमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी काउंटर क्लेम रेस किया जा सकता है जो कोर्ट की पेक्यूनरी लिमिट के अंदर हो इसके कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल इस ए व्यक्ति ने केस फाइल किया इस बी व्यक्ति के खिलाफ ये ए व्यक्ति है ये बी व्यक्ति है और इस ए व्यक्ति ने केस फाइल किया देखो पैसे वाली तो परिस्थिति आप समझ गए पैसे वाली सिचुएशन यहाँ पे भी हो सकती है उसको तो हम समझ गए उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ए व्यक्ति ने मानो केस फाइल किया ऑन बेसिस ऑफ अ फॉर एग्जाम्पल इसने मांगा किसी भी प्रॉपर्टी का पोजेशन कब्जा और उसका एक कब्जे का आधार था कि ये ओनर है डिक्लेरेशन मांगा कि इसको डिक्लेयर कर दिया जाए कि ये ओनर है तो इसे केस फाइल किया पोजेशन और डिक्लेरेशन का अब ये हमारा डिफेंडेंट है ये अपना डब्ल्यू एस फाइल कर रहा है अब ये क्या कर सकता है अब ये काउंटर क्लेम रेस कर सकता है इस व्यक्ति के खिलाफ इन रिलेशन टू तो दिस प्रॉपर्टी मानो ये प्रॉपर्टी है ये कह सकता है इस प्रॉपर्टी के रिलेशन में कि मैं मान रहा हूं कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक हैं और एज ए मालिक आपका पोजेशन का भी हक बनता है बट आई एम से इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी के बिना पर फॉर एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी के बिना पर आपने मेरे से पचास लाख रुपए ले लिया पचास लाख रुपए क्लेम नहीं कर रहा कंफ्यूज मत तो ना आप इस प्रॉपर्टी के बिना पर आपने पचास लाख रुपए मुझसे ले रखे हैं मैं क्या कर रहा हूं मैं ये पचास लाख रुपए मांग रहा हूं नहीं आई एम रेजिंग पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट फॉर एग्जाम्पल अब इस काउंटर क्लेम को रेस करते वक्त मैं ये भी बोल सकता हूं मेरे पास ये भी चॉइस है कि कंसीडरिंग कि मैंने दे रखा है पैसा दे रखा है तो ये प्रॉपर्टी मेरी होनी चाहिए मेरे फेवर में डिक्लेरेशन कर दो मेरे को कब्जा दिला दो ऐसा भी बोल सकता है या फिर ऐसा भी बोल सकता है कि मेरे पचास लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट दिला दो दैट इज टू हिम मतलब डैमेजेस मांग सकता है ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है एक और एग्जाम्पल लेते हैं मानो ये व्यक्ति है इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के खिलाफ केस फाइल किया है क्या आधार है इस व्यक्ति की शॉप है ग्राउंड फ्लोर पर यह व्यक्ति रहता है फर्स्ट फ्लोर पर यह कहीं घूमने गया हुआ था इसके बाथरूम का टैप खुला रह गया था जिससे पूरे घर में पानी भर गया जिसकी वजह से इसके दुकान की छत गिर गई सारा सामान बह गया मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की तो सब खराब हो गया इसने केस फाइल कर दिया फॉर एग्जाम्पल इमेजिन पचास लाख का नुकसान हुआ इसका मनी सूट नहीं है बच्चे ये ये सूट मनी सूट नहीं है मनी सूट होता है पैसे पैसे के बदले पैसे पचास लाख रुपए के डैमेज क्लेम कर रहा है इसके बदले अब इसमें ये काउंटर क्लेम रेस कर रहा है कि इसकी वजह से क्योंकि इसकी छत इतनी कमजोर थी कि इसने पक्का नहीं कराया जो मेरी फ्लोर पे सारा सामान रखा था मेरी वॉशिंग मशीन मेरा टीवी मेरा टेबल मेरा सोफा वो भी तो सब कुछ नीचे गिर गया और वो सब भी टूट गया ये अपना काउंटर क्लेम लेकर बीस लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ है उसमें आपकी गलती है कि आपने छत को मेरे कहने के बावजूद ठीक नहीं करवाया कभी कर। करना है ना टेस्ट क्या करना है कि अगर ये बंदा अभी कोर्ट में चला जाए भू, भूल जाओ इसको क्या ये केस फाइल कर सकता है इस व्यक्ति के खिलाफ अगर हाँ तो वो, वो वैलिड काउंटर क्लेम है अगर नहीं तो नहीं है बस इसके ऐसे हजारों examples बन सकते हैं क्योंकि कोई लिमिट नहीं है क्योंकि कोई restriction नहीं लगाई ये बच्चे काउंटर क्लेम का कॉन्सेप्ट होता है। बहुत ब्रॉड है तो तभी भी कोई डिफेंडेंट देखो जब भी कोई भी डिफेंडेंट डिफेंड डिफेंड करता है अपने आप को किसी भी केस के अंदर तो उसके तरीके होते हैं ना डिफेंड करने का देर इज टू योर सेल्फ एक व्यक्ति कह रहा है कि तूने मेरा नुकसान किया है मैं उसके बदले में कह रहा हूं कि आपने भी तो मेरा नुकसान किया है ये क्लेम है मानता हूं मेरी से नुकसान हुआ है पर आपने भी तो मेरा नुकसान किया दिस इज काउंटक लेंगे वैसी तो कोई भी परिस्थिति

एंड इन रिलेशन टू दाउंटर क्लेम प्लेटिव डिफेंडेंट हो जाता है और डिफेंडेंट प्लेटिव हो जाता है और उनकी वही जिम्मेदारियां होती हैं। आप लोग एक बात को सोच रहे हो सभी लोग कि हम लोग इतनी खिचड़ी फैला क्यों रहे है? हम ये रोल प्लेइंग कर क्यों रहे हैं इतना आप नहीं समझ पा रहे ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा हो रहा है जिससे कोर्ट की पेंडेंसी को कम किया जा सके अरे भाई ये जो काउंटर क्लेम कर रहा है या ये जो सेट ऑफ क्लेम कर रहा है ये, ये मानेगा तो है नहीं अपना ऐसा तो नहीं है कि छोड़ देगा अपना हक जाएगा तो वो भी केस को फाइल करने तो क्या होगा एक और केस फाइल होगा फिर वहां पे भी मत्था बच्ची होगी उन्हीं बातों के बारे में जिस बातों के बारे में यहां पे भी हो रही है तो वाई डोंट बी कंपाइल दू क्लेम्स एंड सिंगल जजमेंट वही सिंपल सा लॉजिक लगाया है सेट ऑफ में भी काउंटर क्लेम में भी कि जिससे अलग से नया केस ना फाइल करना पड़े बस इतनी सी सिचुएशन है और आगे बच्चे कहानी वैसे ही चलती है जैसे उसका तो जवाब देगा फिर करेगा या एडमिट करेगा whatever, जो भी हमने पहली वाली क्लास में सिचुएशन पढ़ा तो वही काम आगे चलता है ठीक है वो सा, ये सारी बातें तो हम पढ़ चुके हैं अब मुझे सबसे पहले तो आप ये लोग बता बात बता दो कि कॉन्सेप्चुअली अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्चुअली आर वी ऑल क्लियर अबाउट ऑफ़ सेट दाउंटर ले मेरे को ये बात बताओ पहले कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आर वी ऑल क्लियर कहीं पे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है समझ में आ गया सब कुछ ठीक है तो एक काम करते हैं आपको मैं ज्यादा ओवर हेक्टिक नहीं करूंगा क्योंकि बातें मैं अभी बताना चाहता हूं आपको वरना मैं रश रश नहीं करना चाहता तो व्हाट वी आर गोना डू कि एक काम करते हैं कल जो हमारा छह बजे वाला क्लास है जो हमारा शाम को केस लॉ का क्लास होता है वैसे एक दिन और डिले करते हैं टीपीए के केस लॉस को कोई नहीं हमारे पास टाइम है छह बजे हम लोग इस सी की क्लास को ही कंटिन्यू रखेंगे और ये जो हमारा ऑर्डर है इसको कंप्लीट करेंगे देखो बच्चे साढ़े सात बजे और नौ बजे की ही क्लासेस होंगी इट इज एट प्लेस ऑफ वाला सेशन जिसकी जगह पे हम ये सी के सेशन को खत्म करेंगे ठीक है डन है समझ में आ गया सभी लोगों को क्या हो रहा है और अगर किसी भी वजह से टाइम वगैरह किसी से अटेंड नहीं कर पा रहे तो रिकॉर्ड देख लेना कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है चलो थैंक यू सो मच गुड नाइट और जो भी पढ़ाया है उसको एक बार पढ़ लेना रिवाइज कर लेना अगेन सेइंग इट स्टिक टू माय वर्ड्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू दैट इज मोर देन सफिशिएंट यू डोंट नीड टू लुक एनीवेयर जितना देखोगे उतना कंफ्यूज होगे ठीक है चलो बाय बाय सी टुमारो